कैलकुलेशन ऑफ अलीलिक एंड जीटोटिपिक फ्रीक्वेंसीज़, अलीलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने से पहले ये बात इंपॉर्टेंट है कि हमें हार्डे वाइनबर्ग जो प्रिंसिपल है उसके बारे में मालूम हो कि ये प्रिंसिपल क्या है तो हार्डे वाइनबर्ग थीरियम के मुताबिक जो अलील फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसिस रिमेन्स कॉन्स्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन

अगर जो मीटिंग है वो रैंडम हो नॉन रैंडम मीटिंग ना हो उसके साथ साथ अब जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी क्या है या अलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या है जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी से मुराद है कि किसी भी जगह पे जो मुख्तलिफ टाइप्स के इंडिविजुअल्स हैं फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि एक जगह पे टॉल प्लांट्स हैं वहां पे डॉर्फ प्लांट है या इंटरमीडिएट साइज के प्लांट हैं तो ये तीन कैटेगरीज हो गई या हम ये कह सकते हैं कि होमोजाइगस डोमिनेट होमोजाइगस रिसेसिव या फिर हेट्रोजाइगस तीन टाइप्स के इंडिविजुअल्स हैं तो ये तीन डिफरेंट जीनो टाइप्स होंगी जबकि ये फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेड जो है उसको एक जीन पेयर मिलकर कंट्रोल कर रहा है तो इसमें हम एज्यूम करते हैं कि ये जो जीन पेयर है इसके अंदर कैपिटल ए कैपिटल ए ये होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म है स्मॉल ए स्मॉल ए ये होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म है और जो फॉर्म है ये कैपिटल ए स्मॉल ए है तो इसका मतलब ये है कि यहां पे सिर्फ दो किस्म के अलील हैं एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए तो एक पॉपुलेशन के अंदर कैपिटल ए और स्मॉल ए की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम अलीलिक फ्रीक्वेंसी होगी कहेंगे और एक पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के इंडिविजुअल्स होंगे बस कैपिटल ए कैपिटल ए वाले इंडिविजुअल्स कितने हैं उसके अंदर कैपिटल ए स्मॉल ए वाले इंडिविजुअल्स कितने हैं उसके अंदर स्मॉल ए स्मॉल ए वाले इंडिविजुअल्स कितने हैं ये जीनोटाइप कहलाएगी और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कहेंगे इस स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो यहां पे जो हार्डे वैनबर्ग थ्योरम है इसके मुताबिक p q 1 यहां p से क्या मतलब है पी से मुराद है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डोमिनेंट अलील और यहां के से क्या मुराद है यहां के से मुराद है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए रिसेसिव अलील फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन के अंदर अगर दो ही जीन है कैपिटल ए और स्मॉल ए इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो मिला के ये वन परसेंट के बराबर होगी और अगर इसका हम स्क्वायर ले लें यानी इसकी जो जीनोटाइप्स हैं जीनो टाइप की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी पॉपुलेशन के अंदर हमेशा वन रहेगी अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व ना हो यानी ये तो हो सकता है कि जो अलील की फ्रीक्वेंसी है या जो जीनो टाइप की फ्रीक्वेंसी है वो पॉपुलेशन के अंदर फ्लक्चुएट करे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए इसकी फ्रीक्वेंसी पॉइंट सिक्स है और जो स्मॉल ए है उसकी फ्रीक्वेंसी प्वाइंट फोर है दोनों को मिला के ये वन हो गई नेक्स्ट जनरेशन के अंदर यह तो पॉसिबल है कि कैपिटल ए पॉइंट सिक्स से कम होके पॉइंट थ्री हो जाए और जो स्मॉल ए है यह पॉइंट सेवन हो जाए लेकिन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी वन के बराबर ही रहेगी इसी तरीके से जो जीनोटमिक फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर भी इंडिविजुअल के अंदर जो नंबर है वो वेरी कर सकता है जो जीनो टाइप की फ्रीक्वेंसी है वो वेरी कर सकती है लेकिन सारी जो जीरो के वन के बराबर ही होंगे वो डोमिनेट अलील की फ्रीक्वेंसी है क्यों रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी है पी स्केर से मुराद है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ए ये जीनो टाइप है यानी डोमिनेट अलील के साथ जीनो टाइप और जो टू पी क्यू है ये हेट्रो Zygus, जो जीनो है उसकी फ्रिक्वेंसी है और ये जो होमोजाइगस रिसेसिव की जो जीनो स्मॉल ए इसको हम क्यों से करते हैं अब इस स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास तीन जीनो टाइप्स एक जीनो टाइप हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल ए है एक जीनो टाइप कैपिटल ए स्मॉल ए है और जो तीसरी जीनो टाइप है वो स्मॉल ए स्मॉल ए है अब जो कैपिटल ए कैपिटल ए इंडिविजुअल्स की तादाद है वो 70 है कैपिटल ए स्मॉल 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 ए ए ए इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स की की तादाद तादाद है है और small A, small A, है. इन सब का अगर हम सम करें तो टोटल टू हंड्रेड इंडिविजुअल है एक पॉपुलेशन के अंदर अब इनकी हम जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी अगर निकालें तो हम क्या करेंगे जो सेवेंटी जो कैपिटल ए कैपिटल है इसको टोटल के ऊपर यानी के ऊपर हमने डिवाइड कर दिया तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी निकली वो पॉइंट थ्री फाइव इसी तरीके से जो कैपिटल ए स्मॉल ए है यहां इनकी तादादी थी इसको हमने टू हंड्रेड पे डिवाइड किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी पॉइंट फोर जीरो निकली और स्मॉल ए स्मॉल ए की जो फ्रिक्वेंसी है यहां पे हमने जो फिफ्टी नंबर था इसको टू हंड्रेड पे डिवाइड किया तो ये पॉइंट टू फाइव आई अब अगर इन तीनों जीनोटाइप्स की जो फ्रीक्वेंसी है उन सब का हम सम करें तो ये हमारे पास वन के बराबर आएगा जो कि हार्डे वाइनबर्ग थीरम के ऊपर पूरा उतरता है इसी तरीके से अगर हम इस पॉपुलेशन के अंदर टोटल जो ए अलील है और बी अलील है इसकी फ्रीक्वेंसी को निकालें तो वो भी वन के बराबर होने चाहिए मसलन यहां पे अगर हम देखें तो जो टोटल ए अलील है वो 220 है क्योंकि 140 फोर्टी यहां पर है एटी यहां पर है इन सब को सम किया तो ये 220 हुआ और टोटल क्योंकि अलील 400 थे 400 के ऊपर हमने इसको डिवाइड किया तो जो फ्रीक्वेंसी आई वो 0.55 आई ये 0.55 बेसिकली पी की फ्रीक्वेंसी है यानी डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी अगर हम रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी को देखें तो जो के हम q से रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल ए उसको कहते हैं तो इनकी तादाद 100 यहां पे थी स्मॉल a स्मॉल a यहां पे 80 थी, इन सब को सम किया 183 180 को जब हमने 400 से डिवाइड किया तो जो फ्रीक्वेंसी आई पॉइंट तो अब हम अगर p प्लस क्यू यानी डोमिनेट अलील की फ्रीक्वेंसी और रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी इन दोनों का अगर हम सम करें तो ये भी वन के बराबर होगा तो इस तरीके से हमने जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी भी कंप्यूट कर ली और अलीलिक फ्रीक्वेंसी भी कंप्यूट की और हमने ये भी देखा कि जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है वो वन के बराबर है